गाना बंद कर दो। प्रिय छात्र एवं छात्राओं, बीए एलएलबी सेकेंड सेमेस्टर के समस्त छात्र छात्राओं का इस क्लास में स्वागत है। मैं आपको इस क्लास के अंतर्गत वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट, मॉडर्न पॉलिटिकल, मॉडर्न वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट, इंडियन पॉलिटिकल थाट से जुड़े हुए समस्त विचारों का अध्ययन करेंगे, विचारों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि सिलेबस के अंतर्गत देखा गया है, इसके अंतर्गत हम आज पढ़ाएंगे जो सिलेबस निर्धारित किया गया है सेकेंड सेमेस्टर का, वो है पॉलिटिकल थाट अर्थात राजनीतिक विचार। राजनीतिक विचार कई क्षेत्रों से आते हैं, चाहे वो वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट से हो, चाहे मॉडर्न वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट से हो, चाहे एशियन वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट से हो, या फिर इंडियन पॉलिटिकल थाट से हो, चाहे इंडियन पॉलिटिकल एशियन, इंडियन पॉलिटिकल एशियन थाट हो, या चाहे इंडियन पॉलिटिकल मॉडर्न थाट हो, या फिर चाहे इंडियन पॉलिटिकल मिडवल थाट हो, इन सबसे विचारधारा जो विचार को शामिल किया गया है, समझा गया है, जाना गया है। तो आज हम आपको इस बीए एलएलबी द्वितीय सेमेस्टर के द्वितीय पार्ट के राजनीति विज्ञान से जुड़े हुए जो सिलेबस के अंतर्गत आते हैं, इन तथ्यों को शामिल किया गया है, उन सब की चर्चा हम आज सिलेबस के अंतर्गत कर लेते हैं और आपको इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत अवगत करा देंगे कि इस सेमेस्टर के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है और हमें क्या पढ़ाना है। तो इस तमाम समस्त जानकारियों को हम इस सिलेबस के अंतर्गत आपको अवगत कराएंगे। आइए देखते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन से पार्ट आए हैं, कौन कौन से रहेंगे, इन सब की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं, देखते हैं कि बीए एलएलबी सेकेंड सेमेस्टर पॉलिटिकल थाट पेपर का नाम है और पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है। सिलेबस के अंतर्गत देखते हैं जो सबसे पहले यूनिट में रखा गया है वो है मेन करंट ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट। मेन करंट का मतलब है कि कौन से ऐसे तथ्य हैं, कौन से ऐसी जानकारियां हैं जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट से जुड़ी हुई हैं, जिसके अंतर्गत आप एशियन और मिडवल थाट को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसमें जब सबसे पहले चर्चा अगर हम करें तो देखते हैं अरिस्टोटल का नाम आता है, जिसे राजनीति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, पॉलिटिकल पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक भी हैं। तो अरिस्टोटल पहले चैप्टर के अंतर्गत आता है, पहले यूनिट के पहले चैप्टर में अरिस्टोटल को पढ़ेंगे, उनकी जीवनी पढ़ेंगे, उनके संविधान की शासन प्रणाली पढ़ेंगे, उनसे जुड़े हुए समस्त तथ्यों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। दूसरा है रोमन लीगल सिस्टम। रोमन लीगल सिस्टम क्या है कि रोमन लीगल सिस्टम वो है जो यूनान की राज्य व्यवस्था, यानी कि यूनान की जो वैधानिक यानी संवैधानिक राज्य व्यवस्था थी, उसका अध्ययन किया जाएगा, उसकी चर्चा की जाएगा, उसका विस्तार से विवरण प्रस्तुत किया जाएगा इस टॉपिक के अंतर्गत और आपको सुझाया जाएगा, समझाया जाएगा। फिर तीसरी यूनिट के अंतर्गत दूसरी पहली यूनिट के तीसरे पार्ट के अंतर्गत है नेचुरल लॉ। नेचुरल लॉ का मतलब है प्राकृतिक कानून क्या है और नेचुरल राइट्स, यानी कि प्राकृतिक अधिकार और कर्तव्य क्या है, अर्थात कहने का मतलब अधिकार और कानून क्या है, उसको कैसे संदर्भित किया जाएगा, पढ़ा जाएगा। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे सिसरो को पढ़ेंगे, सेंट थॉमस इक्विनास को पढ़ेंगे। तो ये दो विचारक हैं नेचुरल लॉ एंड नेचुरल राइट के अंतर्गत, इसे हम सिसरो और संत थॉमस इक्विनास को पढ़ेंगे, ठीक है। इसी के चौथे पार्ट को देखते हैं और जिसका नाम आता है मैकियावेली का नाम आता है। मैकियावेली का हम अध्ययन करेंगे, इन्होंने बहुत प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है जिसका नाम है प्रिंस की पुस्तक है और इन्होंने राज्य के बारे में विशेष संदर्भ में राज्य की व्याख्या की है। तो मैकियावेली भी प्राचीन विचारकों के रूप में जाना जाता है जिसने राज्य के बारे में
विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है, उसकी चर्चा की, परिचर्चा की, वो सब सारी चीजें हम देख सकते हैं। अब आगे देखते हैं मॉडर्न वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। जो दूसरी यूनिट हमारी है वो है मॉडर्न वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, अर्थात आधुनिक पाश्चात्य राजनीतिक विचार। आधुनिक पाश्चात्य राजनीतिक विचार के अंतर्गत हम चर्चा करते हैं, सबसे पहले देखते हैं वो है लिबरलिज्म। लिबरलिज्म का मतलब है उदारवाद। इन द बेस्ट फीचर्स उदारवाद की अर्थ एवं परिभाषा और उसकी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। मेरिट एंड डिमेरिट लिमिटेशन, मेरिट एंड लिमिटेशन अर्थात उसके क्या गुण हैं और उसका दायरा क्या है उसको निश्चित किया जाएगा। और फिर है लिबरलिस्ट थिंकर्स, उदारवादी विचारक कौन कौन से हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें से हर्बर्ट स्पेंसर, बेंथम एंड जेस मिल का प्रमुख रूप से नाम आता है। अब आइए ए ब्रीफ ऑफ स्केच, इन पर एक क्या कहते हैं प्रकाश डालना है, इनके हर्बर्ट स्पेंसर, बेंथम एंड जेस मिल पर एक प्रकाश डालना है और उनको संदर्भित करना है, उनके बारे में विचार विमर्श करना है। तो कहने का मतलब हमने चर्चा कर ली लिबरलिज्म के अंतर्गत इसके अर्थ एवं परिभाषा, फीचर्स, न्यूमेरिक इनकी विशेषताओं का अध्ययन किया गया है, इनके मेरिट एंड लिमिटेशन, इनके गुण और इसका विस्तार कहाँ तक, इसकी चर्चा की गई। लिबरलिस्ट थिंकर कौन कौन से हैं, हर्बर्ट स्पेंसर है, बेंथम है एंड जेएस मिल है, इनकी चर्चा हम इसके अंदर कर सकते हैं। अब सेकेंड यूनिट के सेकेंड पार्ट में सोशलिज्म की बात आ रही। सोशलिज्म क्या है, सबसे पहले इसके अंतर्गत जानेंगे समाजवाद क्या है। अब समाजवाद मीनिंग एंड फीचर्स, समाजवाद का अर्थ एवं परिभाषा और उसकी विशेषताएं क्या है उसकी चर्चा होगी। फिर यूनिटरी अर्थात उसका मूल्यांकन होगा, रिवोल्यूटरी पुनः रिवीजन होगा उसका मूल्यांकन होगा, और फिर डेमोक्रेटिक लोकतंत्र की चर्चा की जाएगी। यानी कि ये सारे सिलेबस के अंतर्गत आपको पढ़ाए जाएंगे। मॉडर्न वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट और सेकंड यूनिट के थर्ड पार्ट में देखते हैं मार्क्सिज्म की चर्चा करते हैं, मार्क्सवाद एंड कम्युनिज्म, साम्यवाद और मार्क्सवाद और साम्यवाद की चर्चा होगी। मार्क्सियन एंड मॉडर्न कम्युनिज्म, यानी कि मार्क्सवादी और आधुनिक साम्यवादी कैंपेनियन माने दोनों को संयुक्त रूप से पढ़ा जाएगा, किस रूप से पढ़ा जाएगा, क्या देखा जाएगा, ये तमाम सारी जानकारियां हम इस सिलेबस के अंतर्गत निर्धारित किए गए पाठ्यक्रम को हम आपको पढ़ाएंगे, आपको इससे अवगत कराएंगे। तो आइए देखते हैं इसके अगले क्रम में क्या है और कौन से तत्व शामिल है, उनकी चर्चा कर लेते हैं। आइए अगले क्रम में चर्चा करते हैं। हम फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट की चर्चा हो गई है, अब हम चर्चा करेंगे थर्ड यूनिट की, और थर्ड यूनिट के अंतर्गत हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटिकल थॉट, एशियन एंड मिडिवल, प्राचीन और मध्यकालीन जो है भारतीय राजनीतिक विचारकों की चर्चा होगी, राजनीतिक विचारों की चर्चा होगी, जिसमें से प्रमुख रूप से हिंदू कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट, हिंदू राज्य के बारे में, उसकी अवधारणा के बारे में अध्ययन किया जाएगा, उसकी चर्चा की जाएगी, और उसके बाद भी एलिमेंट्स ऑफ स्टेट, राज्य के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं उसकी चर्चा होगी, और फिर एंड गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, अर्थात कहने का मतलब है कि राज्य की सरकारें कौन सी हैं, उसमें प्रशासन किस तरह से किया जाएगा, उन सब की चर्चा इसके अंतर्गत की जाएगी, और फिर जस्टिस एंड लॉ यानी कि कानून और न्याय की बात की जाएगी कि किस तरह से वहां पर कानून लागू हो, कैसे न्याय प्राप्त हो,
और साथ ही साथ इन सबके फंक्शन एंड ड्यूटीज, यानी उनके कार्य और ड्यूटी की बात की जाए, क्या कार्य होंगे क्या ड्यूटी होंगी, वो निर्धारित किया गया है ऑफ ए रूलर। ये जो पिछड़े क्षेत्रों में है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में है, उनमें किस प्रकार से ये विकसित किए जाएंगे, कैसे ये कार्य किए जाएंगे, ये सारी चीजें वहां पर दिखाया जाएगा। ये वैदिक माध्यम से, क्लासिक माध्यम से और कात्यायन माध्यम से इसकी चर्चा हो जाएगी। ठीक, तो थर्ड यूनिट के फर्स्ट पार्ट के अंतर्गत आएगा और सेकंड पार्ट के अंतर्गत आएगा इस्लामिक थाट। इस्लामिक थाट का मतलब होता है कि मुस्लिम विचार कौन कौन से हैं एंड कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट। मुस्लिम विचार के अंतर्गत राज्य की क्या अवधारणा है, राज्य के क्या अर्थ एवं परिभाषा है, राज्य का क्या आशय है, ये निश्चित किया जाएगा और ये बताया जाएगा। और साथ ही साथ द शरीयत एज द बेस ऑफ लॉ, शरीयत के तहत कौन से कानून निश्चित किए गए हैं, कौन से अवधारणाओं को निश्चित किया गया है, कैसे उसको सही किया जाएगा, वो प्रक्रिया। फिर एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, वेलफेयर, प्रशासन कैसा होगा, वित्तीय वेलफेयर किस प्रकार से, फाइनेंस वेलफेयर किया जाएगा कि आर्थिक सहायता की जाएगी, और क्राइम पनिशमेंट, अपराध के लिए कौन सी सजा निश्चित की गई है इसके बारे में अध्ययन किया जाएगा, एंड जस्टिस और न्याय उनको किस प्रकार से प्रदान किया जाएगा इसकी चर्चा होगी। तो थर्ड यूनिट के अंतर्गत हम हिंदू और मुस्लिम अवधारणाओं को पढ़ेंगे, उनको जानेंगे। और अब आते हैं चौथी यूनिट के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत देखते हैं मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट, वेस्टर्न एंड इंडियन गांधीयन थॉट्स, यानी कि आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचारक में वेस्टर्न पाश्चात्य जगत के और इंडियन यानी कि भारतीय गांधीयन थॉट अर्थात गांधीवादी विचारधारा के तथ्यों का अध्ययन किया जाएगा, थॉट का अध्ययन किया जाएगा, विचार का अध्ययन किया जाएगा। इसके अंतर्गत देखते हैं लिबरलिज्म विस मार्क्सिस्ट, यानी कि उदारवाद बनाम मार्क्सवाद के विचारों का अध्ययन होगा, थॉट इन द कास्ट, जाति के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, इस आधार पर देख सकते हैं। अब क्या टोली टोटलेरेशनिज्म, फीचर्स, मेरिट्स, डिमेरिट्स, फासिज्म एंड नाजीम, अर्थात कहने का मतलब है कि नाजीवाद और फासीवाद की गुण एवं दोषों का अध्ययन होगा, उसकी प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन किया जाएगा। और इसके अंतर्गत दूसरा पार्ट है, और थर्ड पार्ट में हम पढ़ेंगे डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है, लोकतंत्र, इसका मीनिंग, एसेंटियल्स, मेरिट्स, डिमेरिट्स, लोकतंत्र का अर्थ एवं परिभाषा, उसके गुण एवं दोष, कंडीशंस फॉर सक्सेस, किस प्रकार से वो सक्सेस हो उसकी स्थिति के बारे में जिक्र किया जाएगा। और लास्ट में रखा गया है सत्य, अहिंसा एंड सर्वोदय, कहने का मतलब सत्य, अहिंसा और सर्वोदय बेस प्रिंसिपल्स ऑफ हिज फिलॉसफी, यानी कि दर्शन शास्त्र के जो मेन तथ्य हैं, मेन मूलभूत सिद्धांत हैं, जिसमें सत्य, अहिंसा एंड सर्वोदय और सर्वोदय का प्रावधान है, ये जो हम गांधीयन पॉलिटिकल थॉट के अंतर्गत इसकी चर्चा करेंगे, सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह, सर्वोदय की चर्चा होगी, इसको पढ़ेंगे। और साथ ही साथ इन्फ्लुएंस एंड हिम एंड हिज थॉट्स, और साथ साथ इसके प्रवाह को भी हम जानेंगे, समझेंगे और अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि आपको ज्ञात है, हमने आपको इस सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत सिलेबस को अवगत कराया, आपको जानकारी प्रदान की। हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगली क्लास में मैं नए एक टॉपिक के साथ आपके साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।